अगली खबर की ओर और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर अब एक जो मदरा प्रेमी हैं उनके लिए ये खबर है। छत्तीसगढ़ के मदरा प्रेमियों के लिए यहां पर जो व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का हाल, दुकान खुलने के एक दिन पहले तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और साथ ही साथ तैयारियों का जायजा लिया है स्वराज संवाददाता ने। और अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 4 मई से प्रदेश की शराब दुकान खुलने जा रही है। आबकारी विभाग ने आज ही आदेश में कहा है कि 4 मई से जो शराब दुकानें हैं वो खुलेंगी। टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक जो शराब दुकान है वो खुली रहेंगी। इसके अलावा आबकारी विभाग ने अपने आदेश में साफ तौर पर यह कहा है कि शराब के विक्रय के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर किया जाए। वहीं कल शराब खुलना दुकान खुलने से पहले यहाँ पर तैयारियां की गई है शराब दुकान के। आप बाहर देख सकते हैं यहाँ पर जो लकड़ी के बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं क्योंकि क्रम के अनुसार यहाँ पर जो शराबी है वो यहाँ पर शराब ले सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बैनर चस्पा भी किया गया है कि 1-1 मीटर की दूरी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। इसके अलावा ज्यादा भीड़ भाड़ न हो इसके लिए बाकायदा यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। तो कल से जो शराब दुकान है प्रदेश की वो खुलने जा रही है और इसके साथ ही नई दिशा निर्देश इसको लेकर दी गई है। आबकारी विभाग ने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि विक्रय के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कैमरामैन रविंद्र नागेलकर के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।